नमस्कार, आप सबको स्वागत है आपका क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका सिर्फ हम ओवरव्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऐप पर सारी की सारी क्लासेस चल रही है, राइट, लाइव क्लासेस चल रही है हमारे ऐप पर। काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ एनरोल भी हो चुके हैं। तो अगर अभी आप एनरोल नहीं किया अभी आपने अपने आप को, तो जल्दी से एनरोल करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डीपली डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका सिर्फ पावर भी लेंगे थोड़ा सा। हम अच्छे से तो मतलब हम ठीक है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको यही देना चाहेंगे भाई, और भी ज़्यादा अच्छे से अगर आपको क्लासेस देनी है तो आप हमारे साथ ऐप पर एनरोल हो सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ प्रश्नों को। तो एक और 3 नंबर वाले जो प्रश्न है हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल से हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? अर्थहीन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और किसने की थी? दयाराम सहनी ने, राइट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, इसका तो कर लोगे। मेनली आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। सेकंड है, हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की कोई एक विशेषता बताओ। जो बस्तियां हुआ करती थी कोई एक विशेषता है? कृषि, जल निकासी, पशुपालन, कुछ भी एक बता सकते हो ना। सिर्फ एक ही पूछा है तो कोई सा भी एक यहाँ पे बता सकते हो। सर जॉन मार्शल कौन थे? पुरातत्व विभाग के जनरल डायरेक्टर थे, जिनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की, राइट। मनुस्मृति, ये तो हमारा अगले चैप्टर का है। ठीक है, वैसे मनुस्मृति फिर भी बता देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का हमारा। मनुस्मृति जो है हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जिसमें हिंदू धर्म के नियम कायदे बताए गए हैं। ठीक है, जैसे इस्लाम का कुरान होता है शरिया, सॉरी, इस्लाम का शरिया होता है, शरिया के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम अपना मनुस्मृति के अनुसार करते हैं। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार लव मैरिज करोगे तो पाप है ना, कोई हो तो छोड़ देना। श्रेणी वही व्यापारी की श्रेणी को आ जाता है ना, ये छोड़ दो, ये भी अगला ही है। हड़प्पा लिपि की कोई एक विशेषता बताओ, कोई भी एक चित्रमय लिपि बता दो या फिर इसकी संख्या बता दो। 375 to 400 है ना, 375 से लेके 400, कोई सी भी एक विशेषता बतानी है आपको। ठीक है, फिर हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? नदी हो गई और दूसरा कुएं, है ना, कुएं, जलाशय वगैरह जो गए, कोई भी एक दो बता दो, कि सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। फयांस, फयांस क्या होता है? फयांस एक चिपचिपा प्रकार का पदार्थ होता है। क्या होता है? एक चिपचिपा प्रकार का पदार्थ होता है, जिसे क्या बोला जाता है? फयांस बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता में किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? मेसोपोटामिया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? हाँ, मातृदेवी बोलोगे, शिव नहीं बोलोगे, मातृदेवी और शिव जी। और थर्ड हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति, किसकी? प्रकृति को आप कभी भी नहीं बोलोगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। सब नहीं लिखने, कुछ बता दोगे। ठीक है, कौन कौन सा? लोथल बता दोगे, कालीबंगन बता दोगे, राखीगढ़ी बता दोगे, है ना, सोरतुगई बता दोगे, थोड़े बहुत बता दोगे, वो भी नफ है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां किस प्रकार विभाजित थी? दुर्ग और निचला आप बोल सकते हो ना, वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो था हमारा कौन सा था? मेसोपोटामिया था। तो 1 नंबर में तो कोई वो नहीं है ना, डाउट नहीं है, बहुत ही ईजी है हमारे 1 नंबर के। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं, जो क्वेश्चन आया पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और कनिंगम के द्वारा अपनाई गई तकनीकों में अंतर बताओ। बहुत ही सिंपल सा है कि पहला आप कनिंगम बता दोगे, कनिंगम का क्या था? भ्रम था। क्या था? क्योंकि उसने छोटी सभ्यता सोची, उसको इस सभ्यता के प्रमाण तो मिले, लेकिन इसको लगा कि छोटी सभ्यता है इसलिए इसने ज्यादा खोजा नहीं। दूसरा, लिखित प्रमाण पर इसने ज्यादा भरोसा किया, जिसमें ये असफल रहा। मोहरों को ये दूसरी सभ्यताओं से जोड़ने का प्रयत्न करता रहा, जिसमें भी ये असफल रहा। जॉन मार्शल को जितने भी अवशेष मिले उसकी वो एक कड़ी बनाता हुआ चला गया, उस कड़ी के अनुसार उसको फॉलो करता हुआ चला गया, और फिर उसको पता चला कि विश्व की एक बहुत ही पुरानी सभ्यता मिली है, और जिसकी घोषणा उसने 1924 में की थी। कब की थी? 1924 में उसने घोषणा कर दी थी कि हाँ, हमारे को वो सबसे पुरानी सभ्यता मिली है। क्लियर है? हाँ, कलिंगम लिखित दस्तावेज पे ज्यादा भरोसा करते रह गए, ठीक है, जिसकी वजह से असफल हो गए। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाई, चर्चा कीजिए कि पदार्थ कैसे प्राप्त किए जाते थे। हमने बात कर ली कि मन के जो थे वो अलग अलग प्रकार से बनाए जाते थे, इनका आकार भी अलग हुआ करता था। मन के बनाने की विधि में अलग अलग प्रकार के पत्थर लिए जाते थे, जैसे कार्नेलियन, सुंदर लाल रंग का पत्थर जो हुआ करता था, जैस्पर, है ना, स्फटिक,
सेल खड़ी आदि, या फिर एक या फिर एक से अधिक पदार्थों को मिलाकर भी इसको बनाया जाता था। सेकेंडली आप बता दो कि इनका आकार सिमिलर नहीं हुआ करता था, एक जैसा नहीं होता था, गोलाकार, बेलनाकार, चौकोर, है ना, खंडित, अलग अलग प्रकार के ये मन के हुआ करते थे। फिर वहीं पे हम बात करेंगे भाई ये हमारे को कहाँ से प्राप्त होते थे, ये हमारे को अलग अलग जगह से प्राप्त होते थे, है ना, वो हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फिर हम बात करेंगे भाई मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, है ना। मोहनजोदड़ो में ये जो हम विशाल स्नानागार के बारे में बात करें, विशाल स्नानागार के अवशेष जो हमारे को मिले वो मोहनजोदड़ो के दुर्ग पे मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस स्नानागार का उपयोग जो है वो कुछ विशेष अवसरों पर ही किया जाता था, रेगुलर बेस पे इसका इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है। फिर हमने बात कर ली कि भाई 2.4 मीटर ये गहरा था ना, लंबाई चौड़ाई सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा। फिर आगे हम यहाँ पे बात करते हैं हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातात्विक किस विधियों का प्रयोग करते हैं, हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने है, वहां से प्राप्त मोहरे किस प्रकार सहायक है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मेजर है, दो क्वेश्चन इसमें मिक्स है, ठीक है, मेजर क्वेश्चन है, अगर आएगा तो ये कंफर्म आएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करना है, सामाजिक और आर्थिक, अभी हमने बात की थी ना कपड़ों के बारे में, कपड़ों के बारे में बात नहीं की थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि भाई कि कैसे वो अलग अलग हुआ करते थे, क्यों। देखो पहला, सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं को जानने के लिए हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार दफनाकर किया जाता था, और दफनाने के बाद इनके द्वारा उपयुक्त जितनी भी चीजें हुआ करती थी वो इनके साथ दबा दी जाती थी, दफना दी जाती थी। वो ऐसा माना जाता था कि भाई उनका ये विश्वास था कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, इसलिए ये गतिविधि वो दोबारा करते रहते थे। अब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की हमारे को डेड बॉडी मिली है उस व्यक्ति के ऊपर हमारे को सारे सामान मिलेंगे, चाहे वो तांबे के दर्पण हो, सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, ठीक है, सोना, चांदी, तांबा या फिर कांसा, जो भी हो गया सारी उसके चीजें मिल जाएंगी। सेकेंडली हमारे को पता चलता है कुछ सामान्य कपड़े और दूसरा हमारे को चिनाई वाली कपड़े मिलती है। अब ये जो सामान थे कैसे प्रयुक्त होते थे, कुछ तो स्थानीय होती है। अब देखो जो गरीब लोग होगा, जो गरीब व्यक्ति होगा उसके स्थान पर जो जो चीजें मौजूद होंगी वही उसका उसका वही उपयोग कर सकता है, गरीब तो वही उपयोग कर सकते हैं ना। अब जो अमीर है भाई, कभी दुबई से कोई चीज मंगा रहा है, कभी अमेरिका से मिला मंगा रहा है, कभी इंग्लैंड, ब्रिटेन, अलग अलग जगह से मंगा रहा है, तो वो अमीरों की कैटेगरी में हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो लोग ज्यादा अमीर थे वो विलासिता की वस्तुएं उपयोग करते थे, कौन सी विलासिता की वस्तुएं, जो बाहर से मंगाई जाती थी, सोना, चांदी, है ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सेलखड़ी हो गया, कार्नेलियन हो गया, अलग अलग जगह से मंगाए जाते थे ना। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई वो सारी विलासिता की वस्तु होती थी, रोजमर्रा की वस्तु वो होती है जो कि हमारे को रेगुलर बेस पे यूज करते हैं। स्थानीय माल जो होता है वो रोजमर्रा की चीजें होती है, बाहर जाओगे तुम्हारे को आटा चावल तो मिल जाएगा, रोजमर्रा की वस्तु है ये। फिर हमारे यहाँ पे धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी कैसे पता चलती है, मोहरों से, मोहरों से कैसे पता चलती है। अभी हमने देखा मोहरों पे हमारे को कुबड़ वाला बैल मिला जिसे हम खेती के बारे में पता करते हैं, वहीं पे मोहरों पे हमारे को पेड़ पौधे मिले, क्या मिले, जब पेड़ पौधे मिले जिससे हम ये भी तो जानकारी लगा सकते हैं कि ये प्रकृति की पूजा किया करते थे, किसकी, प्रकृति की, क्यों, क्योंकि ये लोग जो मुख्यतः किस पर निर्भर हुआ करते थे, प्रकृति पर निर्भर हुआ करते थे, क्योंकि प्रकृति खत्म तो समाज खत्म। पुरातात्विक शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे, हमने बात कर ली, जो वस्तु जहां पर बनाई जा रही है, जहां पर जिस वस्तु के ज्यादा अवशेष मिले पुरातात्विक उसको क्या बोल देते हैं, उत्पादन केंद्र घोषित कर देते हैं। मान लो कि मैं मनके बना रहा हूँ, मनके बनाने के बाद घिसाई कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, फोड़ रहा हूँ, और अवशेष वहां पे इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो जहां पर जितने ज्यादा अवशेष इकट्ठे मिलते थे वही उसका उत्पादन केंद्र हाँ बना दिया था। जनरल कनिंगम कहते हैं पुरातात्विक विभाग के पहले डायरेक्टर थे, ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि भारतीय इतिहास के जनक किसे बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंगम को बोला जाता है, ठीक है। किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में चुके हैं, हमने पहले ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली थी, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ पे घरों में स्नानागार होने के साथ इसमें क्या हुआ करता था, इसका पानी बाहर नाली में जाके मिल जाता था, और नाली का पानी बाहर मुख्य नाली से जाके मिल जाता था। नाली को बनाने के लिए जिप्सम के गारे का उपयोग किया जाता था, साथ ही साथ यहाँ पर नालियों को ढककर रखा जाता था ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट ना आए, क्योंकि कूड़ा करकट आएगा तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसका खास ध्यान रखा जाता था।
हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए कौन से कारण उत्तरदायित्व है? अभी हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता का, कोई एक कारण तो हम बताएंगे नहीं, पुरातात्विक जो है अभी भी इसी खोज में है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। अलग अलग मत के अनुसार ये बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत शायद जलवायु परिवर्तन, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, आर्यों का आक्रमण करना, वनों की ज्यादा कटाई करना, ये सारे कारण आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो मेंशन कर देने सारे। हड़प्पा सभ्यता को रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो इसलिए इसको चित्रा देखो पहले तो चित्रात्मक लिपि है, पुरातात्विक इसको पढ़ने में असमर्थ है। ठीक है, इसकी संख्या आप बता दो कितनी इसकी संख्या है। ठीक है, और ये जो हमारे को ये जो लिपि मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? मोहरों पर लिखी हुई मिलती है बेटा, कहाँ पर? मोहरों पर ही लिखी हुई मिलती है। ठीक है, मोहर जो हुआ करती थी उन पर लिखी रहती थी, क्या पता उनके एड्रेस हो। हमने बात की थी ना कि कोई वस्तु कहाँ पर जहाँ पर भेजी जा रही हो ये पता करने के लिए भेजते थे ना कि कहाँ से आ रही है। अमेजोन का पार्सल आता है तो उस पर लिखा रहता है ना अमेजोन, मैं तुम्हारे को कोई चीज भेजूंगा तो उस पर लिखा रहेगा ना कि मैंने भेजा है, क्या पता नाम वगैरह लिखा हो, एड्रेस वगैरह लिखा हो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की खाद्य सामग्री के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब सब बता दोगे, क्या बता दोगे? सब कृषि, पशुपालन और शिकार, तीनों बता दोगे, है ना? बिल्कुल सिंपल सा है। हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य, राजा क्या क्या करेगा? न्याय करेगा, राज्य व्यवस्था संभालेगा, प्रशासनिक कार्य संभालेगा, लोगों के हित में कार्य करेगा। राजा के जितने भी कार्य होते हैं ना जो राजा करता है वो सारे यहाँ पर मेंशन कर दोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन है, हार्ड तो नहीं है। ठीक है, आठ नंबर भी देख लो, आठ नंबर के पावर भी ले लेते हैं, बस आपको बता देंगे भाई इसमें आपको करना क्या क्या है। समाधान, हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने के लिए बेहतर स्रोत है। बिल्कुल सिंपल सा है, वही सामाजिक भिन्नता है ना हमारी विषमताएं। पहला, लोग ये बताओगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे किस प्रकार रहते थे, वस्तुएं कहाँ से कौन सी मंगाते थे, मृत्यु के बाद वो कैसे दफन होते थे, उनके ऊपर क्या क्या चीजें रखी जाती थी और वो चीजें कहाँ से प्राप्त होती थी, विलासिता की और रोजमर्रा हमने बताई ना, वहाँ पे ये बता देना कि जो जो चीजें आप लिख रहे हो वहाँ पर कहाँ कहाँ से वो चीजें मिली हैं। ठीक है, जैसे दक्षिण भारत कर्नाटक से हमारा क्या है, सोना है ना, तुम्हारा नागेश्वर से संघ हो गया, नागेश्वर बालाकोट वगैरह हो गए, है ना, तांबा कहाँ से मिला है तुम्हारे को, ये सारी चीजें जब आप लिख दोगे तो ईजी रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना पूरा बता दोगे कि नगर निर्माण दुर्ग निचला पूरा एक्सप्लेन कर दोगे, पूरा जो टॉपिक हमने पढ़ा है आठ नंबर का। ठीक है, शहरी केंद्रों की सर्वाधिक अनूठी पहलू, सेम शहरी केंद्र होते क्या थे, दुर्ग निचला क्या क्या यहाँ पे चीजें हुआ करती थी, कैसे ये अपना जीवन यापन करते थे, सारी चीजें। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन उपलब्धि कौन कौन सी है, सारी है, मुख्य तो ऐसे जल निकासी प्रणाली है। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लेन कर दोगे, शहरी जीवन बता दोगे, कूड़ा करकट जो गांव के बाहर दफनाया जाता था, मृतबान बनाना, सारी की सारी चीजें आप बता दोगे। हड़प्पा संस्कृति में कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष बता दोगे, किसानी वगैरह के बारे में बता दोगे, नीचे भी आप उन दोनों का एक्सप्लेन कर दोगे, पशुपालन वगैरह। आर्थिक और धार्मिक, वही आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड, वही सामान मंगाना, विलासिता की वस्तुएं भी इसमें मेंशन कर दोगे। धार्मिक तो हमारे को पता ही है, धार्मिक मतलब पता है ना, मातृ देवी, शिव और प्रकृति। यहाँ पे आर्थिक मतलब वो कृषि वगैरह कर दो ना, क्या उबड़ वाला बैल भी बता दोगे, सारा बता दोगे। चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, अवशेष जो उनको प्राप्त हुए, क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, सारा स्टार्टिंग से लेके एंड। ठीक है, जितना याद रखे उतना लिख देना। जल निकासी विषारण प्रबंध के बारे में लिखना है, जल निकासी के बारे में कि जल निकासी की उतनी महत्वपूर्ण थी, नालियां जो थी चौड़ी चौड़ी हुआ करती थी, जिप्सम के गारे, कूड़ा करकट ना जाना, ढकना, घरों में कुएं होना, नहाने के साथ जो पानी हुआ करता था नाली में जाना, मुख्य नाले में मिट जाना, ये सारे का सारा आप इसमें क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। तो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया गाइस, तो अभी तो हमने सिर्फ क्या है ऊपर से ओवरव्यू लिया है, राइट। तो जितने भी कमेंट, जितने भी अभी जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, राइट, तो जितने भी बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने सभी क्वेश्चंस का ओवरव्यू ले लिया, ब्रीफली हमने जान लिया कि किस चैप्टर किस क्वेश्चन में हमारे को क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको डीपली जानना और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपने एग्जाम की प्री बोर्ड, तो वैसे ही हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। कब से है प्री बोर्ड? 15 से हमारे प्री बोर्ड है,
ठीक है। तो अगर आपको और भी ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ हमारे ऐप पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है वो आपको लाइव बता दिया जाता है, ठीक है। कुछ इंडिविजुअली बच्चों के लिए क्लासेस हैं, तो काइंडली अपने आप को एनरोल जरूर कीजिएगा ऐप में, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी के लिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अपने आप को एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर छोड़ के जाइएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, राइट, जो कि हमारी रेगुलर होती है। तो अभी के लिए टाटा बाय, सी यू, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास गाइस।